और यह अल्लाह ने फरमाया सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 18-19-20। तो ये इससे बहुत ज़्यादा वाजह हो जाती है बात, ये जो इसके अंदर आयत है कि जो दुनिया की आराई से जल्दी चाहता है, यानी दुनिया की जीनत को कोई जल्दी चाहता है, तो हम दुनिया के अंदर जितना चाहते हैं उसको दे देते हैं। सारा सारा चाहता वो भी नहीं मिल सकता उसको, क्योंकि रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, तो हम जो चाहते हैं उसको हम दे देते हैं, लेकिन फिर बाद में उसका अंजाम बुरा है और जहन्नम है और वो जलील होकर वहाँ पर जलेगा। फिर ये आयत नंबर 19 में फरमाया कि जिसने इरादा किया आखिरत का, जिसने इरादा किया आखिरत का और उसने पूरी कोशिश की, वो ईमान भी ईमान वाला भी था, तो उसकी कोशिश का पूरा पूरा उसको बदला दिया जाएगा, फल दिया जाएगा उसको जिसने आखिरत की कोशिश की। फिर 20 में फरमाया कि हम तो सबकी मदद करते हैं, किसकी, दोनों की मदद करते हैं, हम तो सबकी मदद करते हैं, तो हमने कानून बना दिया वो बदलेगा नहीं, तो अल्लाह की अता में बंद नहीं लगा हुआ है, अल्लाह की अता में बंद नहीं लगा हुआ है। तो ये इल्ज़ाम जो हम दे रहे हैं, ये अल्लाह ने खुद वाज़े कर दिया कि हमारा कानून ही, हमने जो बनाया जिस कानून के तहत इसको यहाँ बनाया दुनिया के अंदर, तो कुछ कानून को जो इंसान और जिन के अलावा तो सब चीज़ को फिक्स रख दिया, वो उसके खिलाफ नहीं कर सकते। सूरज को अपने वक्तों पर निकलना है, चाँद को अपने वक्तों पर निकलना है, पानी को यहाँ पर आना जाना है, गर्मी मौसम सर्दी ये आना जाना, इसमें अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया उनको, लेकिन इंसान को इख्तियार दिया कि वो चाहे तो माने चाहे तो ना माने। तो ये इल्ज़ाम हम सबसे पहले किसने दिया था, ये सोचने की बात है कि सबसे पहले ये इल्ज़ाम किसने दिया अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह भटकाता है। तो सबसे पहले ये इबलीस ने लगाया था इल्ज़ाम, सबसे पहले इबलीस ने लगाया था, किस वजह से, अपनी अना में अपनी अकड़ के अंदर ये उसने इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद माफ़ी भी नहीं मांगी, वो फिर कहा कि आपने मुझे गुमराह किया, क्यों आपने मुझे रोका नहीं, मैं ये कर रहा था गुनाह तो आपने मुझे रोका नहीं। तो इल्ज़ाम किसने दिया था कि मैं ये गुनाह कर रहा था, तेरी नाफरमानी, तो तूने मुझे रोका नहीं। तो इबलीस ने कहा, तो उसको ये है कि उसको सीधा हुक्म दिया गया था, कोई उसको हाथ पैर बांध के तो दिया नहीं था कि रस्सी से बंधा हुआ था और उससे कहा कि सजदा कर, तो बंधा हुआ था तो इसलिए नहीं करा, अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया हुआ था, उसने नहीं किया तो खुद भटका। और यहाँ पर सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत 39 में ये बात अल्लाह ने फरमाई कि मेरे रब, अब रब तो मान रहा है, वो रब तो मान रहा है कि मेरे रब तूने मुझे भटकाया और अब मैं जो है ज़मीन के अंदर इसको लोगों के लिए खुशनुमा बना दूँ, जो इंसान तेने बनाया ना जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया है, तो अब मैं इनके लिए जीनत, इस ज़मीन को जीनत बना दूंगा, खूबसूरत बना दूंगा और इसके अंदर इनको भटकाता रहूँगा जिंदगी। तो ये इल्ज़ाम जो है उसने लगाया था सबसे पहले, ये शैतान ने लगाया था। तो ये अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाया और हम फिर इल्ज़ाम लगाएं तो ये किसकी पैरवी है, हम भी यही बात कहें कि तूने अल्लाह चाहे जिसको जो गुमराह करे और जिसको हिदायत दे, तो पैरवी किसकी कर रहे हैं फिर हम, ये अल्लाह की हिदायत की पैरवी है या फिर वो शैतान की पैरवी कर रहे हैं। अगर ये इल्ज़ाम हम अल्लाह पर लगाते तो सबसे पहले उसने लगाया था, तो अल्लाह ये नहीं करता है, ये शैतान, और शैतान भी नहीं करता, शैतान को हाथ पकड़ कर भी नहीं ले जाता हो, ऐसा भी नहीं है कि शैतान पकड़ कर ले जाता हो तो अपन उस पर इल्ज़ाम देते कि ये अल्लाह ये तो हाथ पकड़ कर ले गया मुझे, तो वो भी नहीं ले जाता। तो ये तो नफ्स भी है उसकी इसके शामिल, जो उसको भटकाता है उसके अंदर वसवसे डालता है तो उसकी तरफ ही चला जाता है, तो अल्लाह ने वो भी दिया। अल्लाह ने फरमाया सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 15-16 के अंदर कि तुम्हारे पास नूर आ गया है, तुम्हारे पास नूर आ गया है, वाजे किताब आ गई है। तो अल्लाह इसके ज़रिए से रहनुमाई करता है, किसकी, जो उसकी रजामंदी चाहते हैं उसकी वो रहनुमाई करता है, वो सलामती के रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं और अंधेरे से वो रोशनी की तरफ चला जाता है, उसको ले जाता है, वो सीधी राह की तरफ उसकी फिर रहनुमाई करता है। तो ये इल्ज़ाम जो है शैतान ने लगाया, नाऊज़ बिल्ला, हम अगर पर अल्लाह पर लगाएं तो ये बहुत बड़ा एक अल्लाह पर बोहतान कसना है। इस तरह अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 26 में फरमाया कि युज़िल्लु बिही कसीरा व यदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही लल फासिकिन, कि वो अल्लाह का कानून, यानी जो अल्लाह ने जिस कानून के तहत वो सबको बनाया है, वो अल्लाह का कानून ऐसी मिसाल से भूतों को भटकाता है और वो भूतों को इससे हिदायत देता है। अब ये आयत आती तो फिर इससे ये रखा जाता है कि देखो अल्लाह ने कहा कि इस कुरान के जरिए से वो भूतों को हिदायत दे देता है और भूतों लोगों को भटका देता है। ये अल्लाह ने खुद कहा, वहाँ पहले मच्छर की मिसाल दी और फिर वही बात के मच्छर की मिसाल क्यों दी अल्लाह ने, तो फिर वो अल्लाह ने फिर आगे कहा कि अल्लाह इसके ज़रिए से, मिसाल के ज़रिए से भूतों को जो है भटका देता है और भूतों को जो है वो हिदायत देता है। तो उसका कानून है वो भटकने देता है, अल्लाह नहीं करता वो, क्योंकि अल्लाह ने, ये तो कहने की बात है, ये तो कहने की बात है, जिस तरह हम कहते हैं ना भाई कि अल्लाह खिलाता है, तो क्या अल्लाह खिलाता है,
हमको उठा के खाना पड़ता है ना, अल्लाह रिस्क देता है तो क्या रिस्क आ जाता है घर के अंदर, कमाना पड़ता है ना। तो अल्लाह ने लिबास बनाया तो क्या हमारे घर पे आके सिया, वो कहने की बात है कि हम उसने कानून ऐसा दिया था जिस और ऐसा तुमको इल्म दिया था जिससे तुम रिस्क कमाना सीख गए, तुम खाना सीख गए और कपड़े सिलना तुम सीख गए। तो ये माना है उसका, तो ये तमसीली जबान कुरान के अंदर भी कई जगह आया, तो ये इसका माना है। और ये है कि उसका जो कानून है, तो कोई आदमी अगर खुद आग में हाथ जलाना चाहे, उसका मान लो कि उसने देखा कि यार मैं देखना चाहता हूँ, तुम जल गए थे ना तो कितनी तकलीफ हुई थी पर मुझे महसूस नहीं हो रही, भाई जिसकी तकलीफ होती है उसी को महसूस होती है, तो कहता मैं भी देखना चाहता हूँ हाथ जला के कि तकलीफ कैसी होती है। अगर वो आग में हाथ डाल लेगा तो अल्लाह का कानून, जो अल्लाह ने आग बनाई है उसके कानून के तहत वो चलती है, तो फिर क्या होगा, आग क्या करेगी, जला देगी उसको। तो अब ये किसने जलाया, खुद ने जलाया कि अल्लाह ने जलाया, तो अल्लाह के कानून के तहत उस खिलाफ उसने काम किया था, खुद को जला बैठा। तो यहाँ ये वाली बात है, ये वाली बात नहीं है कि अल्लाह जो है मिसालों से भटका ही दे किसी को, ये वाली बात है कि वो खुद फिर जो है भटक जाता है। इसी तरह सूरह मोमिन में फरमाया, सूरह नंबर 40 आयत नंबर 28 में, कि अल्लाह का जो कानून है उसको हिदायत नहीं देता जो हद से बढ़ने वाला और झूठा, तो उसको भी फिर अल्लाह हिदायत नहीं देता। ये वाज़े किया अल्लाह ने कि इनको हिदायत नहीं देता। इस तरह सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 86 में फरमाया कि कैफायद अल्लाह कौमन कफरू बाद ईमानी, कि अल्लाह का जो एक कानून है जिस कानून के तहत उसने बनाया है, तो इसे लोगों को कैसे वो हिदायत दे, ऐसे लोगों को कैसे वो हिदायत दे जो ईमान लाने के बाद कुफ्र करे, तो उसको वो कैसे देगा हिदायत। तो अल्लाह ने बात की कि जो ईमान लाने के बाद में कुफ्र करे तो अल्लाह उसको हिदायत कैसे देगा, यानी उसके खिलाफ, उसके कानून के खिलाफ कोई अगर काम करेगा तो उसको हिदायत कैसे देगा। तो ये है कि क्यों, क्योंकि उन्हें समझने के बाद में कुफ्र किया, समझ गए कि ईमान क्या है, रसूल क्या है, और उसके बाद में फिर उन्होंने कुफ्र किया। वो शहादत दे चुके थे कि रसूल हक है, और इसकी तरफ जो निशानी आई है, यानी किताब आया, वो भी हक है। तो अल्लाह रहनुमाई नहीं करता क्योंकि ये ऐसे जालिम लोगों की रहनुमाई नहीं करता, तो फिर उनकी रहनुमाई अल्लाह नहीं करता क्योंकि उन्होंने खुद इसको इख्तियार कर लिया। तो अब यह है कि बात जो है, या उसने खुद की कुछ करता है, झूठा है, मक्कार है, तो फिर उसको वो हिदायत की तरफ नहीं देता। तो हिदायत के तालिब को गुमराह नहीं करता अल्लाह, जो हिदायत पाना चाहता है तो फिर वो उसको गुमराह नहीं करता है।